आप देख रहे हैं न्यूज पीआर, रिया सिन्हा आपके साथ है। आपको पता होगा, पहले भी हमने कई रिपोर्ट्स में दिखाए हैं किस प्रकार से बिहार में वायरल फीवर का कहर जारी है, और पूरे रिपोर्ट के अनुसार लगभग फिलहाल एक महीने में 25 बच्चों की मृत्यु इस चीज से हो चुकी है। कल हमने आपको बताया था कि बहुत सारे वायरसेस एक साथ हो चुके हैं और जिसके कारण विभिन्न बच्चों को विभिन्न तरीके से वायरल फीवर इफेक्ट कर रहा है। कईयों को ब्रोंकाइटिस हुआ है, कईयों को निमोनिया हुआ है, डेंगू वायरस है और कईयों को नॉर्मल वायरल फीवर है। निमोनिया हो जाने की वजह से बच्चों को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। यही रीज़न है कि उनके कोविड चेक करवाए जा रहे हैं। जब कोविड चेक होता है तो उनके रिपोर्ट्स निगेटिव आते हैं, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है। कई लोग बस आशंकाएं जता रहे हैं कि शायद ये वायरल फीवर है, कई लोग आशंकाएं जता रहे हैं किसी को निमोनिया हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से तस्वीरें अब धीरे धीरे सामने आ रही है, डरा देने वाली है। यही रीजन है कि कक्षा 1 से 5वें वर्ग तक के बच्चों को अब ऑनलाइन ही पढ़ाया जाना है। कई छात्र जो हैं स्कूल जाने से कतरा रहे हैं, पेरेंट्स भी भेजने से कतरा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जा रही है। हाल ऐसा है कि बिहार में तमाम जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, सभी जगह बेड्स फुल हो चुके हैं। इनफैक्ट कई जगहों पर एक बेड पर 2 बच्चों को रखा जा रहा है। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान और मधुबनी से सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और यहां पर स्थिति गंभीर चल रही है। 25 से भी ज्यादा मौत पूरे बिहार में अब तक इन सभी कारणों से बच्चों के हो चुके हैं। आपको बताएं कि पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की हालत बताते हैं तो यहाँ बेड फुल हो चुका है। पटना की भी यही स्थिति है और एक भी बेड खाली नहीं है। पिछले रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है, इसके अलावा बाकी जो बीमारियां हैं। ब्रोंकाइटिस दरअसल वायरल ही है एक तरह से, और हर साल 10 मिलियन लोगों को होता है भारत में, लेकिन बिहार में इसका कहर बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि एक तो ब्रोंकाइटिस हो रहा है, उसके साथ साथ निमोनिया होते जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों के सांस फूलने लगते हैं। बहुत बहुत छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनकी सांस फूल जाती है, जिसकी वजह से वो सांस ढंग से ले नहीं पाते और फिर उन्हें प्रॉब्लम होता है। आपको बताएं कि अभी अभी मुजफ्फरपुर से भी हमारे पास तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर बवाल काट रहे हैं जो परिजन हैं बच्ची के। 15 साल की एक बच्ची की मृत्यु हो गई है वायरल फीवर की वजह से, उसके बाद वहां पे हंगामा शुरू है। आपको हम वहां के भी तस्वीरें दिखाएंगे। स्थिति बिहार की जो है वो गंभीर दिखाई देते नजर आ रही है। अब तक 22 बच्चों की मृत्यु वायरल फीवर से हो चुकी है। इस खबर में इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।